अगर आपने कार यहाँ पार्क की तो हम बेसबॉल नहीं खेल पाएंगे। लेकिन यहाँ आसपास की सारी पार्किंग फुल है। अरे रुकिए, अरे अंकल रुकिए, अब बेसबॉल कैसे खेलेंगे? इस कार की वजह से हम बेसबॉल नहीं खेल पाएंगे। आज तो मैं जान से बच गया, लेकिन वहाँ अगर ऐसी पार्किंग होती रही तो मुसीबत होगी। अरे ये क्या हो गया? मैं आ गया। क्या हुआ डैड? मुझे कल गोल्फ खेलने जाना है, लेकिन ये गोल्फ बैग बहुत भारी है, इसे उठाना बहुत मुश्किल है। इसका कोई तो तरीका जरूर होगा। हाँ? शायद मैं आपके लिए कुछ कर सकता हूँ। कर दिया। बैग के अंदर रखी चीजों का क्या होगा? कीजिए, वो भी पहले की तरह हो जाएंगी। ये देखिए, बस आपको थोड़ा सा पानी छिड़कना होगा। देखा? ये तो सच में बहुत मजेदार है, मुझे कल ये जरूर दे देना प्लीज। बिल्कुल डैड, ये अच्छा है, ये तो मेरे भी काम आ सकता है। सुनो प्लीज, मुझे वो सुई दे दो ना डोरेमोन। अच्छा तो मैं कभी कभी ज्यादा डोरा के इस कार्य का मन नहीं करता है। मेरे पास बहुत सारे बहाने हैं ज्यादा पॉकेट मनी लेने के। मुझे बहुत बुरा लग रहा है। अच्छा सुनो ना डोरेमोन, हम हर गाड़ी को पतला करके रखेंगे ना। आजकल पार्किंग की जगह कम हो गई है, इसलिए लोगों को परेशानी हो रही है। लोगों के भले के लिए नहीं, पर डोरा केक के लिए तो सही। डोरा केक के लिए नहीं, लेकिन लोगों के भले के लिए जरूर करूंगा। हाँ ये ठीक है, चलो पहले उस कार को करते हैं। ठीक है। ये बहुत गलत बात है, उसने यहाँ कैसे पार्क कर दिया? तुम्हारी सुई निकालो डोरेमोन। यहाँ कोई पार्किंग है क्या? तक पार्क करना चाहता हूँ। हाँ ठीक है, पार्किंग के 10 रुपए लगेंगे। क्या इतना सस्ता? आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सुनियो क्या हुआ? आज मैंने सुनो किची भैया के साथ पहाड़ों पर जाने का सोचा था। हम उनकी गाड़ी से वहाँ पर जाते हैं और वहाँ का नजारा देखते हुए तुम्हारी मदद कर सकते हैं। हाँ चलो। अरे वाह, ये स्वादिष्ट लग रहा है। खाना ठंडा होने से पहले इसे खा लेते हैं। लेकिन मैं तुम दोनों के साथ ये खाना यहाँ पर क्यों खाऊं? अगर नहीं खाया तो सब वेस्ट हो जाएगा ना सुनियो। इसे खाने के लिए हम पहाड़ पर ले चलते हैं, क्या लगता है? बहुत अच्छे। तो चलो शुरू करें। ये तुमने क्या किया? इसे बंद करो, बाद में पहले जैसा हो जाएगा। अरे हाँ, तो हम अभी ले चलते हैं। चलो थोड़ी बहुत, हम इस सारी तोपे ले चलते हैं। ये टीवी भी ले चलते हैं। अब मैं तैयार हूँ। अरे जरा समझ कर, सारा फर्नीचर बहुत महंगा है। फिक्र मत करो सुनियो, हम शिशु का को भी अपने साथ ले चलेंगे। तुम इतना कह रहे हो तो तुम्हारे साथ पहाड़ों पर पिकनिक मनाने मैं भी आती हूँ। ये सब सच में पहले की तरह हो जाएगा ना? हाँ बिल्कुल। हे कैसे हो सर? इस जगह से कार गायब हो गई है, चलो वहाँ प्रैक्टिस करते हैं। वो हम क्या, तुम्हें प्रैक्टिस नहीं करनी? ठीक है चलो चले, अगर इस बात तुमने गलती की तो मैं तुम तीनों को नहीं छोड़ूंगा। Oh,
चला हो। अरे ज्ञान कहाँ चला गया? वो यही कहीं पर होगा। मैं आ गई नोबिता, मुझे भी ये गिरी हुई शीट उठानी होगी ना। हाँ शुक्रिया। अरे ये तो ज्ञान की फोटो है। ठीक है सब तैयार है, चलो पहाड़ पर चलने के लिए तैयार हो जाओ। वाह कितना सुंदर है। बहुत सुंदर नजारा है। हवा भी बहुत ताजी है। चलो मैं ये सब यहाँ रख देता हूँ। ये हो गया। अब मुझे पानी भी रखना होगा। वाह बहुत बढ़िया, ये तो हमारा फर्नीचर है। अब बस पानी भी रखना होगा। अरे वाह अभी तो गर्म है। बहुत बढ़िया, मैं यहाँ के सुंदर नजारे के साथ लंच का मजा ले सकती हूँ। ये सब हमारे घर से आया है। देखो लॉबस्टर आया। अरे बस ये करो, बहुत स्वादिष्ट लग रहा है। अरे ये तो हमारा नहीं है, ये बुरे स्वाद का पोस्टर है। ऐसे ऐसे अब तुम देखना ज्ञान। Oh, my God.